मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। आज मैं आपको एक बुक के बारे में कहना चाहती हूँ, और ये बुक आपने प्रेगनेंसी में पढ़नी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में अपने पास अच्छा समय रहता है, हम अपनी खुद की केयर करते हैं, हम हमारा न्यूट्रिशन पे ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, और हमारे परिवार वाले हमें रेस्ट करने के लिए कहते हैं। तो इस दौरान हम जो रीड करते हैं वो हम अच्छे समय तक, बहुत ज़्यादा समय तक याद में रख सकते हैं। तो आज जिस बुक के बारे में आपको मैं कहना चाहती हूँ वो बुक है एम्पावरिंग यू बियॉन्ड द बर्थिंग। ये डॉक्टर महिमा बख्शी ने बुक लिखा है, शी इज रिनाउंड मैटरनल एंड चाइल्ड वेलनेस कंसल्टेंट। तो ये बुक मैं प्रेगनेंसी के दौरान पढ़ने के लिए कह रही हूँ, लेकिन ये बुक का यूज़ हमें डिलीवरी के बाद होगा। डिलीवरी के बाद हमारी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो जाती है, एक नन्ना मुन्ना हमारे घर परिवार में प्रवेश लेता है, और ये नन्ना मुन्ना हमारा पूरा अस्तित्व, पूरी पहले वाली जिंदगी पूरी तरह से बदल देता है। ये नई लाइफस्टाइल में हमें खुद को कैसे कोप करना है, अपनी अपनी पार्टनर के साथ अपनी रिलेशनशिप कैसे कोप करनी है, हमारे परिवार वालों के साथ हमें कैसे रहना है, इसके साथ ही कभी कभी ये नए बदलाव के कारण हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारा मन का संतुलन बिगड़ जाता है, तो हमें कैसे वो डिटेक्ट करना है, जिसपे कोप कैसे करना है। डिलीवरी के बाद हमारा मुख्य काम रहता है बेबी का फीडिंग। हर 2 घंटे बेबी को फीड कराना होता है, और बेबी को फीड कराना भी एक आर्ट होता है। ये अच्छी तरह से नहीं किया तो हमारे ब्रेस्ट पे क्रैक्स और घाव बन जाते हैं, और हम अच्छी तरह से फीड नहीं कर पाते। हमारा ब्रेस्ट मिल्क निकाल के ऊपर से चम्मच से देना पड़ता है, जो बेबी के लिए और अपने लिए इतना सेटिस्फाइंग नहीं रहता। इसके बारे में भी सारी टिप्स ये बुक्स में दी है। इसके साथ ही बेबी तो है ही, उसका पोषण महत्वपूर्ण है, उसकी रेस्ट महत्वपूर्ण है, उसको सिक्योर फील करवाना महत्वपूर्ण है, उसके साथ ही हमारा मी टाइम कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में भी डॉक्टर महिमा ने इसमें अच्छे से लिखा है। हमारी डिलीवरी हो जाती है, हमारा फिजिक चेंज हो जाता है, हमारा मन बदल जाता है। जब हमारा फिजिक चेंज होता है, हमारी बॉडी चेंज होती है, तो बॉडी को रीडिस्कवर कैसे करना है, हमारी बालों की, हमारे स्किन की कैसे निगरानी रखनी है, ये भी सारा ये बुक में डिस्क्राइब किया है, अच्छे से बता दिया है। ये बुक पढ़ने के बाद और इसमें जो टिप्स दिए गए हैं वो अच्छे से याद करने के बाद पेरेंटिंग अच्छी तरह से कैसे किया जाता है ये आपको समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही अपना ब्रेस्ट फीडिंग कैसे छुड़वाना है, आगे जाके आप एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट रह सकती हो, इसको कैसे रोकना है, इन सारी बातों के बारे में भी बताया गया है। इसीलिए मेरी ये सलाह है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे पास बहुत अच्छा समय रहता है, हम एकदम कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ सकते हैं, जो डिलीवरी के बाद पॉसिबल नहीं है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान ही आप ये डॉक्टर महिमा बख्शी का जो बुक है एम्पावरिंग यू बियॉन्ड द बर्थिंग, ये जरूर पढ़ना।